नानी माँ का दो काले नाती हो गए यहाँ पर, मैंने मैंने ऐसा हो गया। अब देख सकते लो भाई भाई, पानी का टेस्ट भी अच्छा है, वाइल्ड मशरूम है। देखो गाइस, जोशीला आंटी गिरा मत देना, फिर मैं ना टीप लॉकिंग का ट्रेनिंग हो रहा है। मूली मूली के अचार। बाय बाय। पानी पीने का स्टाइल तो देखो माइजू, हमारे लिए मोहल्ले में क्या है। गुड मॉर्निंग गाइस, टासिटीले से वारो पीपल, नमस्ते, दिस इज योर दर्शन थमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लॉग्स। और गाइस, आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं नीचे विलेज में, टी गार्डन में, और सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे थे कि नानी माँ के घर में जाएंगे, दोस्त के लेके सरप्राइज वाला वीडियो बनाएंगे, लेकिन नानी माँ यहाँ पर आ गया है, पधार रही है आंगी। नानी माँ गुड मर्निंग। गुड मर्निंग, कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम मेरो साथीलाई भेटेर कस्तो लाग्यो? दोस्त हो गए, मुलाकात हो गए नानी मासे? मेरो दुईटा नाति रहेछ भने जस्तै लाग्यो, खुसी भए। अब नानी माको दो काले नाति हो गए, काले वान एन्ड काले टू। काले काले अनि दिलवाले। दिलवाले कताबाट? यहाँ ओडालो गाउँमै गाउँ होला। गीत चाहिँ आशीर्वाद दिया हो। हमारे विलेज का बंदर लोग सब लोग यहाँ पर ल खतरा इन्जिनियरहरू डक्टरहरू कुरेर कुदेर हाम्रो दोकानमा गएर यति चक्लेट किनेर जाऊ। जाऊ हो गाइस, अब तिन भाइ जा रहे हम ससुराली। ससुराल ससुराल में हम जा रहा है, जाके मजा करेंगे। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यता हुन्छ हाम्रो मेमेकोमा जाउँ ल। उहाँ चाहिँ खै मेमे छैन, यहाँ पर है हमारे दादाजी का घर, तो अभी दादाजी नहीं है, सिर्फ हमारे दादी माँ है। और यहाँ पर मैंने क्या मैंने ओ माय गॉड, यो हिजो अस्ति ब्याएको साथी। गाइस, अभी हम विलेज घूमते घूमते जा रहे हैं, और पीछे दो बंदा आ रहा है। यहाँ पर हमारे बड़े पापा घर। बड़ी गुड मॉर्निंग, के गर्छ मेरो साथी आएको छ कि सो भेटौँ। बडी यहाँ पर के हो यो बडी? नमस्कार। घिरौला बडी, घिरौला बनाएर आऊ न, भेटौँ न यार, ये भी अपनै गरे। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाबाको सबैभन्दा जेठा दाजु बडीले चाहिँ घिरौला काट्नु हुँदै रहेछ, छानामाथि घिरौला भन्थ्यो नि त्यो। हाम्रो बडे बाबा थोडा सा ऊ है, बिमार हो गए, तो मेरो दोस्तको लिएर आएर थिएँ यहाँ पर, ठिक है। और गाइस, यहाँ पर देखो फुल वुल अच्छी तरह से लगाया है। बडा बडा मेरा साथी आएको थियो कि अस्ति, मैले भनेको थिएँ नि उताबाट बाहिरबाट आउँछ यो बुढेसकालमा, के यो घुँडा दुखेर भाइ हेर नि, यो देखो यसो हो गया बडे पापा। हिँड्दै हिँड्दै मलम प्लस खाने ल्याउँछु ल। हुन्छ हुन्छ, गएला बडा हुन्छ, लाग्नु पऱ्यो। क्या गरेर हो खेल रहा है भाई? पेरेन्ट्सको मिठाई विठाई दे दे यार। दुईजना हिरी है। नमस्ते नमस्ते, ओ माई गॉड, मर्निङ भन न, के भन्छ यार, भारी त हल्का छ होला है। यसो हो त दोस्त, यहाँको लाइफ। हेलो अङ्कल जी, आज क्या है? साफ सफाइ घाँस कटनी हो रहा है? घाँस कटाई हो रहा है बकरी के लिए। ठीक है तो। और गाइस, अभी हम पहुंच गए यहाँ पर मंदिर वाले रास्ते में। और गाइस, आप लोगों को भी मंदिर मैंने बहुत दिन हो गया था, नहीं दिखाया था, और क्योंकि बारिश भी हो रहा था ना। और गाइस, अभी ऐसा है यहाँ का आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुहाना मौसम, और यहाँ का हवा ना इतना अच्छा चलता है गाइस, क्या बताऊँ। मैं पानी ले अलिकति अवस्था छ यस्तो होला नि, नपर्छ मैले है। तो गाइस, आज हम मंदिर एंटर नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने सुबह ऐसे नॉनवेज खाया था ना, इसीलिए। तो हम आएंगे एक दिन जरूर मंदिर में पूजा करने के लिए। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर टी गार्डन वाले एरिया में पहुँच गए। गाइस, आज मौसम अच्छा है, घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, एकदम प्लेजेंट वेदर बोलते हैं ना, वैसा ही वाला है। और गाइस, आप लोगों को मैं व्यू दिखाऊंगा, चिया गेड़ा हुन्छ नि, चिया गेड़ा अहिले छैन, देखो नजारा वो देखो ऊपर। और आज तो घाम लग गया ना,
नहीं तो उसे लगने से और अच्छा होता। थोड़ा थोड़ा बारिश भी होना चाहिए उसमें। हाँ। बारिश होंगे तो भीग जाएंगे हम सब लोग। कोई बात नहीं, भीगने में मजा ही है। मजा ही है। क्या हुआ तेरा वादा। पकिंग सीजन में ना ऐसे उगता है चाय का वो जो पत्ती और एक्चुअल जो फाइन होता है ना ये जो है ना, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये मतलब वन बर्ड टू लिप्स, बीच का एक होना चाहिए, साइड का दो, सिर्फ इतना ही है चाय के लिए, नीचे का कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो, वन बर्ड टू लिप्स फाइन टी। और ये जाता है वर्ल्ड के कोने कोने में, बहुत ही एक्सपेंसिव टी बन के आता है। हजुर बड़ी, ये देखो गाइस हमारे बड़ी यहाँ पर काम कर रहे हैं नीचे टी गार्डन में। हजुर घुमाउँदै घुमाउँदै लिएर आएको साथीलाई, अहिले घरमा निक्लिनु न है। ए हाम्रो आमैहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। ल अब देख्छ कि ऊ साथीलाई घुमाउँदै, यहाँ पर देखिए आमैले कितना सारा पत्ती निकाला है, चाय का पत्ती। लो बकरा दे उडाओ साथी भी हेर्नु त भिरतिर त्यहाँदेखि नीचे 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 म भए त लडेर मर रहेछ। ल बाई बाई, अभी हम पानी वानी पी रहे हैं, यहाँ का अर्ग्यानिक नेचुरल स्प्रिङ वाटर है। पानी कैसा लगा दोस्त यहाँ का? एकदम फाइन, इतना ठंडा भी है, पानी का टेस्ट भी अच्छा है। तो कैसे अभी दर्शन दाजी पानी खा रहे हैं यहाँ पर, और मेरा पानी आपको कैसा लगा? ये मेरा ही है, ये ठंडा मतलब ये दार्जिलिंग का पानी। अभी आपको भाड़ा तीरना पड़ेगा तो कितना? अभी इसका तो ज़्यादा है, तो कितना? बहुत ज़्यादा है। कितना बोलिए ना आपका वो पर्च सब देना पड़ेगा। इतना महंगा पानी, दुनिया का सबसे प्योर, प्योर हो, सबसे प्योर एंड नेचुरल। तो गाइस यहाँ पर अभी हम घूमते घूमते वो टी गार्डन से घूमते घूमते आ रहे हैं, और गाइस यहाँ पर ना मशरूम मिला है, ये वाइल्ड मशरूम है यहाँ पर, मतलब टी गार्डन के बीच में मिल रहा है, ये देखो वहाँ को मिला है ये। कहाँ पाउनु भयो? ये मशरूम ना बहुत ही वैल्यूएबल मशरूम है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही रेयर है, कभी कभार मिलते हैं बारिश के, यंग होता है, यंग हो जाता है, उधर रेसलिंग में जाना पड़ता है। और देखो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुँच गए टी गार्डन में, और यहाँ पर हमारे आंटी लोग काम कर रहे हैं। हेलो आंटी, नमस्ते, आज ड्यूटी यहाँ पर है? यहाँ पर है। ये देखो गाइस जोशीला आंटी, होइन होइन त्यो रहरमा त्यो ऊपर जाएगा, हाल्नै पर्दैन नि, हम भी जाएगा ऊपर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लो आंटी जी, हजुर बना आपका डोको इनको चाहिए अभी। ये देखो हमारे दोस्त अभी डोको लेके जाएगा, पूरा टी गार्डन में वो उठाएगा। चलो भाई, तो गिरा गिरा मत देना फिर मेहनत। अरे गिरा नरबू, आंटी जी की मेहनत मत गिराना फिर। हाँ मुंडी टेढ़ा नहीं, सीधा इधर देखो, इधर इधर येता येता, नो 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 नो, ऊपर से तुम्हारा दोस्त भी आ रहा है देखो। चलो चलो ग्रुप में शामिल हो जाओ। ये देखो गाइस हमारे दोस्त को अभी टी प्लगिंग का ट्रेनिंग हो रहा है। पो घोप्टी नाटे माथि को चाहिँ थियो डोको को चाहिँ। यहाँ कर सुपरवाइजर है अंकल जी, यहाँ को जितने भी लोग काम करते हैं इनके अंदर में होते हैं, है ना? गॉड। तो देखो गाइस यहाँ पर बहुत ही भयानक कीड़ा भी है, ये देखिए ये बहुत ही पॉइजनस है, और ये ना टी बुशेस को स्पॉइल भी करता है, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस एज वेल, ये बहुत ही पॉइजनस भी होता है, अगर हाथ में लग गया तो थोड़ा सा रैशेस एलर्जी टाइप का हो जाएगा ना। ये देखो गाइस वो साथी यहाँ ना कीड़ा,
लाग्छ पुरा मलाई यस्तो सम्झिँदै थियो। यसलाई चाहिँ दबाई हाल्नु पर्यो है? अँ हाल्छ नि दबाई। सो आफ्नो एक्सपिरियन्स के छ र? मेरो मैले टिपा है यो आन्टी जी का पुरा आफ्नो सिर्फ दोही अभी मैं ये बेच के पैसा लेकर उधर अमेरिका जाऊंगा और तीन चार ठो गाड़ी के लेगा। ओ माय गॉड, देखो गाइस यहाँ पर कितने लोग शामिल हो गए और इसमें यहाँ पर हमारे दोस्त भी है। देखो नरबू यहाँ पर जा रहा है, हो गया आज का। ये कितना किलो है? बेल का शाम को रिपोर्ट बताना आंटी दोस्त का। आपका पेमेंट शाम को मिलेगा, ठीक है? ठीक है। यहाँ चाहिँ हाम्रो मामा हुनुहुन्छ साथी। लन्च टाइममै सब लोग अभी यहाँ पर अपना अपना लन्च खा रहे हैं। देखो स्पेशल आलु, ये है राइस, ये है सिमी, यो चाहिँ स्प्राइट, ये है माजा, के हो यो भुजा, फुल ब्ल्याक टी देऊ साथी, ब्ल्याक टी चाहिँ खादिन, यो सबै बाँडेर खाने। आन्टी लोगोको स्पेसल ब्ल्याक टी है, मुली के अचार, ओ मुली की सब्जी, दामी मिठो। और देखो गाइस यहाँ पर शेयरिंग होता है, आंटी जी को मिला आलू और आंटी जी का मूली यहाँ पर जाएगा, फिर ये मूली वहाँ पर शिफ्ट होगा, वहाँ का मटर यहाँ आएगा, ऐसा चल जाए। सब शिफ्टिंग होगा और फिर मिक्सर हो जाएगा सब। बडीले चाहिँ बीट को सुप ले आके यो एकदम छोला हो, छोला हो, चाना छोला, मटर छोला, छोला स्पेशल। ये है यहाँ का खाने का स्टाइल और ये खाना ना 5-star होटल से भी टेस्टी होता है सच में। ल ल ल ओके खानु खानु आन्टी, हुन्छ खानु खानु खानु। कुरा सोध्नु पर्छ तपाईँहरूले खानुको लागि के छ खाना आन्टी? खानु न, मिठो रहेछ। छोला मटर आलु ये देखो, और व्यू देखो गाइस यहाँ का, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, नजारा काफी अच्छा है। और सब तो अब सब लोग ने छाता क्यों ओढ़ा, क्योंकि ना यहाँ पर धूप के वजह से गर्मी ज्यादा हो रहा है, इसलिए छाता ओढ़ के खाना वाना खा रहे हैं। बाय बाय सबैजनालाई, नमरे बाँचे दैवले साँचे, फेरि भेटौँला है। ल पक पक रोटी खानु तपाईँहरू। कता फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पर सेकेन्ड ग्रुप भी है, देखो सब लोग खाना वाना खा रहे हैं अभी। यहाँ चाहिँ सेट रहेछ नि त दामी है। ल बाई बाई सबैजनालाई, हुन्छ हुन्छ। देखो गाइस यहाँ पर बादल आ रहा है ऊपर, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर घूमते घूमते आ गए मामा और माइजू के घर में। यहाँ पर माइजू पानी वानी पी लिया, पानी वानी पी लिया, बहुत शांत हो गया। टार्जन भाई देखो वहाँ पर थक के हैरान होके बैठा है, एंड मामा जी यहाँ पर दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्यास लगा है हमारे दोस्त को, इसलिए पानी पी रहे। पानी पीने का स्टाइल तो देखो। मामा जी के घर में, अभी मामा जी के घर में आ गए पानी पीने के लिए, बहुत दूर से नीचे। ये भको तो गाइस देखो माइजू हमारे लिए यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक फ्रेश एंड फ्रेश कांकड़ा मिल गया, ये अभी हम घर में जाके खाएंगे, अचार बना के खाएंगे, इधर डिपॉजिट बैंक में क्यास नै गरूँगा, ठिक है। 80 वर्षको तरुणी तपाईँ। गाइस हमारे दादी माया यहाँ पर, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो गया। मेरे बाँकी
नाति माम त नुहाइँदै गरे चिटिक्क हो के बेठा है अब ना धोके देखो गर्मी में गरम भयो है माम कुकुर पनि रहेछ अन्त करिमाको बिहान गए अन्त भोटमा अस्ति गए के भयो भयो नि खुट्टा चाहिँ बडाले बाबाले बाई बाई माम फेरि मिलाइङ्गे हाम्रो मामलाई है दिदी बहिनी मामको हात पनि यस्तो भइसकेछ भयो नि त्यस्तै मात्रै भन्दो रहेछ अझ तरुनी छ जवानी छ अझ इन्जोय गर्नुपर्छ एक वर्ष भयो माइत घर नै तिमीहरू त हो घर माइत घर ल बाई बाई गए निम्बु 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 आमा गाइस यहाँ पर अचार वचार पिकल्स डल्ले खोर्सानी सुक रही है वेदर देखो इसको ऐसा करके गैला माम बस लो ना ओके गाइस पहुँच गए घर थक के बहुत थकान हो गया आज मामा जी को आएछ हाम्रो घरमा आमा हाम्रो घरमा बहुत सारे मेहमान आए है गाइस देख लो खै को चाहिँ चिनिन पनि मैले त ल भाग्यमानी हुनु लु को यो कोने ओके गाइस अभी हम लोग घर पहुँच गए और हमारे घर में बहुत सारे मेहमान मेहमान नहीं हमारे दीदी आए हैं तो हमारे रमजाना नाना और ये हमारा भांजा हेलो अद्विक और यहाँ पर भी है बदमाश ये हमारे भतीजा है छेडुप और यहाँ पर है हमारे भांजी बेनिसा आमा मोटी मोटी भैस झन ओहो मामा जी यस यार क्या है आज माहौल में क्या है हाँ तो गाइस माहौल में आज कुछ पार्टी वार्टी हो रहा है क्या अश्विन का बर्थडे है ना कल अश्विन का बर्थडे कराई देख के लग रहा है कि बहुत धमाकेदार पार्टी होने वाला है आज नहीं कल को कल कल को कल को कल को ठीक है पार्टी में आऊँगा जरूर बोतल ले जा रहा है ना बर्थडे बर्थडे पार्टी नहीं नहीं है अरे रनिंग पार्टी नूरान है नूरान ल बाय 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 लन्च टाइम र अब देख्छु कि आजको लन्चमा अर्ग्यानिक फ्रेस मुन्टा राइस अर गुन्द्रुकका सुप घिउ भेज खाना अच्छा हो त यसले भात गाइस आज घुम फिर भी लिया और बहुत ही मजा आया नीचे टी गार्डनमै गए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा के दोस्तों एकदम कृष्ण की तरह सो रहे थे डैम में हो के थक गया थक गया और गाइस असु और मम्मी जी भी खाना खा रही है असु ने तो फिनिश कर लिया कैसा था आज का खाना स्पेशल वाला मुंटा मम्मी जी हेलो अच्छा था संगीता किचन का खाना और गाइस डैडी जी तो इमरजेंसी में ऊपर जाना पड़ा मतलब टाउन यहाँ पर पड़ोसी वाला बड़ी बीमार हो गए ना इसीलिए जाना पड़ा इमरजेंसी तो ओके गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स जस्ट एंजॉय योर लाइफ बी हैप्पी स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस बाय बाय गाइज सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय 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 सी यू सून फिर मिलेंगे चलते फिर मिलेंगे चलते बाय 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 मुंडा खा के क्या हुआ लट्टियो बाहर देखो गाइज हमेशा बारिश होता था दोस्त जब से हमारे दोस्त आए तब से मतलब दिन भी एकदम पता नहीं क्या है हाँ ऐसा क्रिस्टल क्लियर होता है